आज मैं पकाने वाली हूँ चिकन। यहाँ पे मैंने ड्राम स्टिक लिया है और दाल है, इसको एक साथ पकाऊँगी। और यहाँ पे प्याज काट लिया है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है चिकन के लिए। ये देसी चिकन है जो मैं आज पकाऊँगी। तेल गरम हो चुका है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गरम तेल में अनियन को फ्राई किया था थोड़ी देर थोड़ा। उसके बाद मैंने देसी चिकन डाल दिया और उसके साथ साथ सारा जो ड्राई मसाला है जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक और क्यूमिन पाउडर एक साथ सारा मैंने मिक्स किया है। और यहाँ पे जो दाल है वो उबल आ रहा है तो इसको मैं जो ऊपर का जो क्या कहते हैं उसे फोम जैसा होता है ना उसको मैं फेंक दिया हूँ। इससे दाल का टेस्ट अच्छा आता है। यह है चिकन में, मैंने यहाँ पे पानी दे दिया है चिकन में। अब इसको बॉईल होने देते हैं। मैंने हाई है, देखिए हल्दी भी गया, इसको अभी मुझे साफ करने पड़ेंगे। और इधर ड्राम स्टिक एंड दाल में डांसिंग हो रही है। सो चिकन इज डन। नाउ आई विल ऐड गरम मसाला। आई विल कवर इट फॉर 5 मिनट। अभी मैं यहाँ पे एक साथ में चावल बिठा दूँगी। ऑलरेडी रेडी हो चुका है तो मैं इसको सर्विंग बाउल में यहाँ पे ले लिया हूँ। दाल हो चुका है तो इसको मैं अभी निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 सीटी दिया हूँ उबले मतलब ये पानी में मैंने पूरा रात भिगो के रखे थे, उसके बाद आज सुबह इसको बॉईल किया हूँ 4 सीटी तक। और यहाँ पे आलू को भी बॉईल कर लिया और उसको थोड़ा मैश कर लिया हूँ। और यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन को थोड़ा कद्दूकस कर लिया और यहाँ पे अनियन है। तो चना मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली को थोड़ा सा चीर लिया हूँ। गरम हो चुका है तो अभी मैं इसमें अनियन दे देती हूँ। तो अनियन थोड़ा ब्राउन होने तक इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, जब तक ये ट्रांसफर हो उसी तक इसको अभी कर लेती हूँ। अदरक और लहसुन का क्रश किया हुआ थोड़ा सा क्वांटिटी इसमें भी डाल दूंगी मैं अभी। तो यहाँ पे मैंने लिया हूँ क्यूमिन पाउडर, कुरियंडर पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। तो अब इसको भी एक साथ मिक्स करूँगी। सॉल्ट एज पर यू टेस्ट। मसाला के मैं इसको सेट कर देती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा पानी ऐड करूँगी।
चना मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी लास्ट थोड़ा मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। गाइस मेरा चना मसाला रेडी हो चुका है और ये इतना टेस्ट बनी है आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। आप लोग घर पे ज़रूर ऐसे इजी तरीके से ट्राई कीजिएगा, इतना टेस्टी बनता है। Give me a